मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कोलराउस का नियम बताऊंगा। ये विद्युत रसायन के चैप्टर में है, कोलराउस लॉ। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तंता, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब देखिए, कोई भी विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत तंता पर मोलर चालकता, तो हम इसको लिखेंगे लेमडा एम इन्फिनिटी। ये इक्वल होता है, इक्वल टू लेमडा सी एट इन्फिनिटी प्लस लेमडा ए एट इन्फिनिटी। सी का मतलब है कैटायन, ए का मतलब है एनायन। यानी किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो कोलराउस नियम से ये हम लिख सकते हैं, या हम कोलराउस नियम से ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या लेमडा यम इन्फिनिटी इज इक्वल टू न्यू प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। ये भी हम कोलराउस के नियम से लिख सकते हैं। इसमें न्यू प्लस जो है ये धनायन की संख्या है और न्यू माइनस ऋणायन की संख्या है, और लेमडा प्लस इन्फिनिटी धनायन की मोलर चालकता है और लेमडा माइनस ऋणायन की मोलर चालकता है। अब देखिए, जैसे मान लिया ये विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई। इसका जब आयोनाइजेशन होगा, आयनन होगा, तो हमें मिलेगा एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस। इसका आयनन इस प्रकार, तो हम यदि इसके लिए लिखें लेमडा यम इन्फिनिटी ऑफ ए एक्स बी वाई, ये इक्वल टू होगा, यहां पे धनायन की जो कैटायन की संख्या है एक्स है, तो लिखेंगे एक्स इंटू लेमडा ए वाई प्लस लेमडा ए वाई प्लस एट इन्फिनिटी प्लस यहां वाई है वाई इंटू लेमडा बी एक्स माइनस इन्फिनिटी। ये कोलराउस के नियम से हमने लिखा है। अब जैसे मान लिया हमारे पास विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है या नेसियर, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, इसका आयोनाइजेशन होता है, आयनन होता है, तो एक कैटायन मिलता है और एक एनायन मिलता है, ये धनायन ये। तो यदि इसके लिए हम कोलराउस का नियम लगाएं तो लिखेंगे लेमडा
यम इन्फिनिटी ऑफ एन ए सी एल इज इक्वल टू लेमडा, अब यहां एक ही है, लेमडा एन ए प्लस इन्फिनिटी, एक सी एल भी एक है, प्लस लेमडा सी एल माइनस इन्फिनिटी। तो ये कोलराउस के नियम के अनुसार लिखा गया है। अब जैसे मान लिया ये एक एग्जांपल हो, जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लें, मान लिया हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, ये भी विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयनन होता है तो बेरियम आयन एक मिलता है, लेकिन क्लोराइड आयन दो मिलते हैं, ये दो क्लोराइड आयन एक देने वाले, तो हम इसके लिए कोलराउस का नियम लगाए तो लेमडा यम इन्फिनिटी ऑफ बी ए सी एल टू इज इक्वल टू लेमडा बी ए डबल प्लस इन्फिनिटी प्लस यहां दो है तो यहां लिखेंगे टू इंटू लेमडा सी एल माइनस इन्फिनिटी। ये कोलराउस के नियम से इसके लिए लिखा गया है समीकरण। अब इसी प्रकार से हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, थर्ड एग्जांपल, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Al2SO4TNTrs, यदि हम इसका आयनाइजेशन कराएं, इसको पानी में डाल दें तो ये थनायल एनायन में टूटेगा, यहां पे दो बनेगा एल्यूमिनियम आयन, इस पर ट्रिपल चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और तीन बनेगा सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन पर डबल निगेटिव चार्ज। इसके लिए हम यदि कोलराउस का नियम लगाएं तो लेमडा यम इन्फिनिटी ऑफ एल टू एस ओ फोर थ्रायस इज इक्वल टू, यहां एल्यूमिनियम आयन दो है तो लिखेंगे टू इंटू लेमडा एल्यूमिनियम आयन इन्फिनिटी प्लस यहां सल्फेट आयन तीन है, थ्री इंटू लेमडा एसओ फोर डबल माइनस इन्फिनिटी। तो ये समीकरण में प्राप्त होगा। अनंत तंता, तंता का अर्थ आयतन से होता है, अनंत तंता का मतलब हुआ इसका जो आयतन है वी अनंत है, इनफाइनाइट है, जल का आयतन हम अनंत कर, तो आयतन अनंत होने पर सांद्रता कंसेंट्रेशन ये जीरो हो जाता है, जल वी बराबर अनंत तो सी बराबर जीरो, सी क्या है सांद्रता है, सांद्रण है, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये अनंत तंता का अर्थ है। कोलराउस के नियम को हम तुल्यांकी चालकता के पदों में भी प्रदर्शित व्यक्त कर सकते हैं। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता ये बराबर होता है उसके धनायनों एवं ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यहां पर कोलराउस का नियम जो लिखेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट, इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट से एट इन्फिनिटी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है वन अपॉन जेड सी इंटू लेमडा सी एट इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन जेड ए इंटू लेमडा ए
एट इंफिनिटी। इसमें जेड सी जो है ये सी फॉर कहता है और जेड सी जो है धनावेश की संख्या और जेड ए जो है वो ऋणावेश की संख्या नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लिखें पोलराउस का नियम तुल्यांकी चालकता के पदों में इसका आयनाइजेशन होगा टू एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस प्लस थ्री एसओ फोर डबल माइनस। तो इसके लिए लिखें पोलराउस के नियम से लिख सकते हैं लिम्डा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू वन अपॉन यहां धनावेश की संख्या तीन है वन अपॉन थ्री इंटू लिम्डा एल ट्रिपल प्लस एट इंफिनिटी प्लस यहां पे ऋणावेश की संख्या दो है तो लिखेंगे वन अपॉन टू इंटू लेमडा यशो फोर डबल माइनस एट इंफिनिटी। तो हम इस प्रकार से पोलराउस के नियम को यहां पे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ये जो पोलराउस का नियम है इसके क्या एप्लीकेशन है क्या इसके अनुप्रयोग हैं? ये किस काम में आता है? तो एप्लीकेशन ऑफ पोलराउस लॉ पोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए अनुप्रयोग इसको अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहा जाता है एप्लीकेशन। तो देखिए पोलराउस के नियम के कई उपयोग हैं जैसे पहला अनंत तंत्रिका पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा अनंत तंत्रिका पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का मोलर नहीं तुल्यांकी चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। तीसरा आयनिक गतिशीलता आयनिक मोबिलिटी ज्ञात करने में आयनिक गतिशीलता का मान ज्ञात करने में। चौथा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। पांचवा दुर्बल विद्युत अपघट्य के का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में डिसोसिएशन कांस्टेंट को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम छठवां देखें अनुप्रयोग इसका तो जो अल्प विलेय लवण हैं उनकी विलेयता सॉल्युबिलिटी ज्ञात करने में विलेयता ज्ञात करने में। इसी प्रकार सातवां जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ज्ञात करने में। और भी हैं आयनों का निरपेक्ष वेग ज्ञात करने में एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन्स इसको भी ज्ञात करने में हम पोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं।